आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए, शायद सभी के लिए नहीं जो YouTube क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है एंड तक जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम टू अगेन माई यूट्यूब चैनल द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अदा भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिएगा तथास्तु। तो गाइज आज मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन कर दी गई है यूट्यूब की तरफ से, और इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ। और खुश क्यों नहीं होगा भाई, कम से कम 1.5 साल मेहनत करने के बाद इस यूट्यूब चैनल पे आज जाके मेरा मोनेटाइजेशन ऑन कर दी गई है 2:55 AM को सुबह, मगर मैं रात को नहीं देखा था। मैं सुबह उठ के बाथरूम गया था मोबाइल लेके, हमेशा की तरह मैं मोबाइल लेके जाता हूँ, और जब मैं देखा कि मेल एक आया यूट्यूब से कि मेरा जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन है वो ओपन कर दी गई है, तो आप भरोसा नहीं करेंगे मुझे कितना खुशी हुआ, बहुत ही खुशी हुआ। और ये खुशी मैं किसके साथ शेयर करूँ ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा घर में मम्मी और पापा ही रहता है, और भाई तो सुबह देर से आता है ड्यूटी से, तो इसलिए उसको भी नहीं बोल पाता हूँ। उसका भी एक चैनल है डिजिटल होम करके, और उसके बाद मैं मम्मी और पापा को बोला कि मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, तो तब जाके थोड़ा सा सुकून मिला, और अभी सुकून और दुगना बढ़ गया है। अच्छा लग रहा है आप लोगों को बोल के, ये वीडियो जो है मैं आज बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि कितना पेशेंस चाहिए एक यूट्यूब चैनल खोलने के लिए, चलाने के लिए। खोलने के लिए तो आसान है मगर चलाने के लिए बहुत ही मुश्किल है, और जो न्यू कमर है, जो न्यू क्रिएटर्स है, उनके लिए बहुत ही मायने रखता है। 3 साल पहले से ही मैं यूट्यूब चैनल चला रहा था, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं दो या तीन चैनल में मेरा बीच में बंद हो गया था। नंबर वन पॉइंट था, मैक्स टू मैक्स पॉइंट था, मैं एल्गोरिथम जो यूट्यूब का था मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ा था, और ऊपर से मैं खोला था और मेरा सब्सक्राइबर्स भी और वॉच टाइम भी बहुत बढ़ गया था। नील और अभिजीत के ऊपर मैं बनाया था, उसके बाद 7,000, 8,000, 9,000, 13,000 तक सब्सक्राइबर्स मैं गेन कर चुका था, और उसी टाइम में मुझे यूट्यूब से स्ट्राइक मिला, 3 स्ट्राइक विद इन 3 मंथ्स। और स्ट्राइक मिला इसीलिए, जो कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं था, मुझे मालूम था कि दूसरा का गाना या दूसरा का वीडियो अगर मैं कॉपी करके लगा दूंगा तो डेफिनेटली मुझे स्ट्राइक लगेगा, वो पहले से नॉलेज था मेरा, मगर मैं वो यूज़ नहीं कर रहा था इसलिए मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिला। गाइडलाइन स्ट्राइक ज़रूर मिला, गाइडलाइन स्ट्राइक इसीलिए मिला कि मैं एक वीडियो में आपका ब्लड दिखाया था, जो ब्लड दिखाना एल्गोरिथम के खिलाफ है यूट्यूब के। और उसके बाद 2 नंबर पॉइंट था आपका, एक जो एक चाइल्ड है, चाइल्ड भी बोल सकते हैं, बहुत बच्चा था, एक बियर पी रहा था, उसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड किया था, उसके लिए भी स्ट्राइक मिला, 2 स्ट्राइक। और लास्ट में और एक स्ट्राइक मिला था उसी सिलसिले के ऊपर, और नहीं, जो नील और अभिजीत का मेन वीडियो था कैसे मारा उन लोगों को, मैं ओपन दिखा था, तो उसके लिए भी एक स्ट्राइक मिला, तो 3 स्ट्राइक हो गया और मेरा चैनल ख़त्म। तो उसके बाद मेरा दिल टूट गया था कि नहीं यार क्या हो रहा है। ठीक है, मैं हमेशा की तरह 2011 से मैं राइट पे जाते रहता हूँ, मगर मैं वीडियो अपलोड नहीं किया था यूट्यूब के अंदर। मेरा था एडवेंचर क्लब गुवाहाटी जो ये चैनल था, वो पहले से ही एक चैनल खोल के रखा था, मगर मैं इसमें वीडियो अपलोड नहीं किया था। और फाइनली उसके बाद जाके मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं इसी के ऊपर मैं एक ब्लॉग वीडियो अपलोड करूँ, और उसके बाद मैं धीरे धीरे वीडियो डालते गया, धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर्स गेन होते गया, बढ़ता गया, 1 से लेके 100 हो गया, 100 से लेके 150 हो गया, ये जो 500 जो सब्सक्राइबर्स था मैं मांग के लेके आया था, वो जो कि आपको करना ज़रूरी नहीं है, जो कि कोई लाइव आता है, लाइव आने के बाद अगर आप लोग वहाँ पे जाके मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपको आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा, वैसा नहीं करना है। मैं भी किया था, मगर उसके बाद 100-200 सब्सक्राइबर्स मुझे ऐसे मिल गया था, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ा के क्या फ़ायदा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा मगर वीडियो देखने वाला कोई नहीं रहेगा, अगर वीडियो ही नहीं देखेगा तो यूट्यूब से क्या, यूट्यूब का वीडियो बना के इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मेरा जो सब्सक्राइबर्स है वो सब्सक्राइबर्स ऐसा बढ़ाना पड़ेगा कि मेरा जो वीडियो है वो देखे भी, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेगा वो लोग, क्वालिटी अच्छा से करें। उसके बाद मैं ऐसा करता गया, फिर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद मेरा एक जो यूट्यूब का रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर पड़ता है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम, वॉच आवर्स, मतलब 4000 घंटा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरा
4000 घंटा तो नहीं हुआ था, और उसके बीच में मेरा एक वीडियो जो है वो वायरल हो गया। वायरल मतलब 37% मेरा, आप लोग देखिएगा ज़रूर, आप लोगों का भी वीडियो ऐसे हो सकता है। जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ऑडियंस रिटेंशन में मेरा 32% तक चला गया था, और 32% उसके बाद बढ़ता गया, फिर 39 हो गया, अभी शायद वो वीडियो 40 के आसपास पहुंच गया होगा। ऑलरेडी मेरा वो वीडियो जो था 77,000 व्यूज़ मिल गया, और उसी से मेरा जो सब्सक्राइबर्स है वो तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुका था। उसके बाद मेरा सब्सक्राइबर्स उस वीडियो से 3700 तक बढ़ा, और उसके बाद जो मेरा वॉच टाइम था 4000 आवर्स वॉच टाइम, उस वो भी बढ़ गया, और वो है गुवाहाटी लॉन्गेस्ट टनल। हम मानने से मेरा जो ये वीडियो है वो सबसे पहले एक नंबर रैंक पे आएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा, वो वीडियो बहुत ही अच्छा है। तो उस वीडियो से मेरा मतलब ये सब कंप्लीट हो गया। और उसके बाद मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा वीडियो मैं अपलोड किया हूँ। मुझे लग रहा था कि ये वीडियो जो है मेरा वायरल होगा, मगर मैं इतना अच्छा से बनाया था, इतना मेहनत करके वो वीडियो बनाया था, मगर उसमें व्यूज़ नहीं आया। और इसके बारे में मैं कभी सोचा भी नहीं था कि गुवाहाटी लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट टनल, मतलब बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट टनल ऑफ गुवाहाटी, उसके ऊपर जो मैं वीडियो बनाया था ऐसे बनाया था कि जानकारी के हिसाब से ही सिर्फ नहीं, मैं ब्लॉग के हिसाब से भी मैं सब कुछ मतलब जो हो सके मैं उतना किया। वो करने के बाद वो वीडियो मेरा वायरल हो गया, और वायरल होने के बाद मेरा आज जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन हो गया उसकी वजह से। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपका जो वीडियो है वायरल क्यों नहीं हो रहा है, ज़रूर होगा, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। और ऐसा मैं भी नहीं सोचा था, मैं भी सोच रहा था, कभी कभी ऐसा भी लगता था हमको कि यार बहुत हो चुका है, अभी मैं छोड़ दूंगा ये सब, नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर्स भी हार्डली 2-3 दिन बाद एक या दो सब्सक्राइबर्स बढ़ता है, और मतलब दिल उड़ गया था, छोड़ो यार ये नहीं करेंगे, मैं जो काम कर रहा था वही काम करूँगा, मगर फिर भी दिल नहीं मानता है। और ऊपर से मैं राइड पे जाते ही रहता हूँ, वो मेरा पहले से ही शौक है। तो उसके बाद जब ये मेरा जो एक वीडियो जो वायरल हुआ है, फिर मुझे लग गया कि नहीं यार अभी मुझे बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूसली मैं अपलोड करते गया। उसके बाद धीरे धीरे करके सब कुछ अच्छा होते गया। अभी तक तो ठीक है, अभी शायद मेरा वीडियो पे ऐड आ रहा है कि नहीं मालूम नहीं, जब से ऐड आएगा तब से मुझे पैसा भी मिलेगा, और कितना मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सब कुछ मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, क्योंकि इसका अगला स्टेप जो है मैं अभी तक दिया नहीं हूँ, ये स्टार्टिंग है। मैं सिर्फ आप लोगों को मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी 1.5 साल के अंदर अंदर इस चैनल पे, 1.5 साल के अंदर अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी थोड़ा सा नॉलेज है हो और आपको भी हिम्मत ना आए। और उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पहले भी बोला था कि मैं जब तक मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं मिलेगा, मतलब एक रुपये भी अगर मिल गया तो मुझे ये नहीं बोलना है कि यूट्यूब के पैसे से मुझे मेरा जो गैजेट है वो गैजेट सब खरीदना पड़ेगा। मैं बोला हूँ कि अगर यूट्यूब से अगर मतलब एक रुपये भी मिल गया ना, तो मैं उसी एक रुपये जब मिलेगा मुझे, उसके बाद मैं मेरा जो ज़रूरी सामान है, गैजेट है, कैमरा है या अभी कुछ भी है, मैं वो धीरे धीरे खरीदूँगा। सिर्फ मोबाइल से मैं करता हूँ, मैं जो अभी भी मोबाइल से मैं ये जो वीडियो है वो वीडियो कर रहा हूँ, और इसी ये मेरा मोबाइल है जियोनी X1, इस मोबाइल से मैं अभी तक का जितना व्लॉग बनाया हूँ, जितना वीडियोस बनाया हूँ, वो सब वीडियो इसी मोबाइल से मैं रिकॉर्ड भी किया हूँ और एडिटिंग भी किया हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एक व्लॉग करने के लिए, एक व्लॉग बनाने के लिए या फिर एक वीडियो बनाने के लिए आपको अच्छा महंगा सामान, अच्छा महंगा कैमरा आपको नहीं खरीदना है, आपका जो मोबाइल है उसी मोबाइल से हो जाएगा, सिर्फ एडिटिंग और आपका जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छा से करना पड़ेगा, और आपका जो आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो मतलब दिखा रहे हैं कि जो भी दिखाएंगे आप, वो अच्छी तरह से कैमरे में आना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि मेरा मोबाइल भी इतना बहुत महंगा नहीं है, मतलब ये मैं ख़रीदा था 8550 रुपीज़ में, और ये हो गया मेरा एक डेढ़ साल करीब हो गया ये मेरा मोबाइल जो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसी मोबाइल से मेरा मोनेटाइजेशन हो गया, तो आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज, मतलब व्लॉग बनाना यार, बाइक राइड, मतलब जो मैं तो मोटो व्लॉगर हूँ, वो भी मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ के मैं बाइक चलाता हूँ, मोबाइल पकड़ के ही वीडियो बनाता हूँ सब कुछ, ना कि मैं एक स्टैंड भी नहीं खरीदा, एक स्टैंड मुझे गिफ्ट करा था एक मेरा दोस्ती है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी वो स्टैंड से ही मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ भी बनाए,
और अभी तक मैं माइक भी नहीं खरीदा, जो कि आज मैं इसलिए माइक मुझे महसूस हो रहा है कि माइक चाहिए था। मैं इसका अगला जो वीडियो मैं डाला था यूट्यूब में, वो वीडियो जो है मेरा साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं था। अभी मैं ऑफिस में हूँ, ऑफिस में इको होता है साउंड, फिर भी मैं क्या किया, मैं ये जो हेडफोन है, हेडफोन में मोबाइल से कनेक्ट करके ऑडियो क्वालिटी अच्छा हो सके, इसीलिए मैं ऐसा करके आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, आपका मोबाइल से भी सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बात हो गया, तो आज इसलिए मैं आपको ये बात शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे आदमी लोग, बहुत सारे लड़के या लड़की हो, बहुत सारे क्रिएटर्स अभी भी दिल, मतलब बहुत का दिल टूट गया है। मेरा भी बहुत सारे जान पहचान है, नहीं यार आजकल वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, क्या करूँ, मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली ये सबका होगा ही होगा, आपका भी चैनल ज़रूर ही ग्रो होगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर आप नॉन स्टॉप आपको वीडियो अपलोड करते रहना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मुझे बहुत कल परसों शायद परसों एक मुझे क्रिएटर्स ने पूछा था कि यहाँ पे भी लिखा होता है, आपका चैनल पे भी लिखा होता है कि आपको 4000 आवर्स वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स विद इन 12 मंथ्स करना है आपको, ये लिखा होता है, आप देखिएगा ज़रूर। और मेरा तो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट कर दिया गया, और तब जाके मुझे महसूस हुआ कि नहीं, एक्चुअली क्या है, आप जब वीडियो अपलोड कंटिन्यूसली करते रहते हैं, उस टाइम से अभी तक जितना भी वीडियो अपलोड किया है कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, वो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका जितना भी वॉच टाइम हुआ वो ही कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आप एक या दो वीडियो अपलोड किया, फिर 3-4 महीना बैठ गया, उसके बाद 3-4 महीना बाद और फिर से आप वीडियो अपलोड करना स्टार्ट हो गया, वो जो गैप रह गया 3-4 महीना, वो गैप से आपको ये वो गैप आपको नहीं पकड़ेगा। उसका अगला जो दो वीडियो था, वो दो वीडियो में आपको मतलब कैलकुलेशन नहीं करेगा। जो 3-4 महीना बैठ के नेक्स्ट 3-4 महीना बाद जो आप वीडियो अपलोड किया, वहाँ से लेके आप अभी तक कंटिन्यूसली जितना भी वीडियो बना रहे हैं उसका ही वॉच टाइम आपको पकड़ेगा, उसके बाद 4000 घंटा होना ही पड़ेगा। जो मेरे साथ हुआ है वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में ज़रूर बोलिएगा कि आपको ऐसा ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा। मेरा जो नॉलेज है मैं आपको बोलूँगा कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में आप जो पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद जो एक बेल का घंटी है, बेल का आइकॉन है, वो बेल प्रेस करने के बाद 3 ऑप्शन मिलता है। ऑप्शन है सबसे ऊपर वाला ऑल जो है, वो ऑल में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करता हूँ इमीडिएटली आपको नोटिफिकेशन चला जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, विदाउट योर सपोर्ट मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होता, इसलिए मैं आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और मैं जान लगा दूंगा, मैं मनी है तो हनी है, तो ज़रूर ही मैं अच्छा अच्छा गैजेट खरीदूंगा, अच्छा अच्छा राइड पे जाऊंगा, जितना हो सके मैं आपको अच्छा अच्छा व्लॉग देने की कोशिश करूंगा। आपको खुश कर पाया या नहीं कर पाया ये आप लोग ज़रूर मुझे बोलिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। तो थैंक यू गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड जॉय आई होम।